ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 506 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि जावा गार्बेज कलेक्शन जो है डन बाय उसको किया जाता है, इनमें से किसके जरिए, वो है JVM जावा वर्चुअल मशीन। उसके बाद ये कि प्लीज चूज वन डैश आर दी JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, कौन से जो है इनमें से JSP के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हैं, वो है सेशन एप्लीकेशन और कॉन्फिग ऑल ऑफ द गिवन। उसके बाद ये क्या फाइनल क्लास कांट बी एक्सटेंडेड, सो ये ट्रू या फॉल्स है कि फाइनल क्लास जो है वो एक्सटेंडेड नहीं हो सकती है, ट्रू है। और उसके बाद है फिर कि जावा प्रोग्राम कोड जो है वो कंपाइल्ड होता है इंटू फॉर्म कहलाता है, वो क्या कहलाता है, बाइट कोड कहलाता है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मॉडिफायर है, इज प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट, वो प्रोवाइड होता है डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इफ नो एक्सेस इज रिटन एक्सप्लिसिटली, अगर कोई एक्सेस जो है वो रिटन नहीं होता एक्सप्लिसिटली, इसका जवाब है डिफॉल्ट। उसके बाद ये कि टॉप लेवल क्लास जो है मे हैव ओनली दी फॉलोइंग एक्सेस मॉडिफायर, एक टॉप लेवल क्लास का जो है हो सकता है सिर्फ जो फॉलोइंग एक्सेस मॉडिफायर है वो है पब्लिक। उसके बाद ये कि विंडो फ्रेम और डायलॉग जो यूज़ करता है डैश को एज देयर डिफॉल्ट लेआउट, वो है बॉर्डर लेआउट। उसके बाद ये कि डैश टाइप्स हैं एक्सेप्शंस की जावा में दो हैं, इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी एक्सेप्शन जो है बिलोंग करती है कैटेगरी को अनचेक्ड एक्सेप्शन की, वो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। उसके बाद ये कि तमाम एक्सेप्शंस और एरर जो है जावा के अंदर इनहेरिट होती हैं कौन सी क्लास से, थ्रोएबल से। उसके बाद ये कि एक्सेप्शंस जो है लाजमी हैंडल होना चाहिए जब हैंडलिंग किया जा रहा है फाइल्स को, अदरवाइज उससे क्या होगा, रन टाइम एरर होगा। उसके बाद ये कि जब डिफाइन किया जाए एक मेथड को, आपको लाजमी इंक्लूड करना चाहिए डैश डिक्लेयर करने के लिए कोई भी एक्सेप्शन जो कि थ्रो हो सके लेकिन कॉट ना हो मेथड में, वो है थ्रोस क्लोज। और उसके बाद ये कि क्लासेस जिसके अंदर वर्ड हैं डैश आर डैश बाइट टाइप ओरिएंटेड स्ट्रीम, वो है स्ट्रीम। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी स्ट्रीम जो है वो रीड या राइट करती है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ बाइट, वो है फाइल इनपुट स्ट्रीम। उसके बाद ये कि एक इंस्टेंस जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये ट्रू है। उसके बाद ये क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो डैश इंस्टेंशिएटेड है, कैन नॉट बी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी स्ट्रीम जो है वो फिल्टर स्ट्रीम है, वो है बफर्ड रीडर। और उसके बाद ये कि बॉर्डर लेआउट जो है वो जो है डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर है जे फ्रेम कंटेंट पेन के लिए, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि बॉर्डर लेआउट जो है वो डिवाइड करता है एरिया को कितने रीजन में, 5 रीजन्स में। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो यूज़ होगा रजिस्टर करने के लिए इवेंट हैंडलर जो है इवेंट्स जनरेटर के साथ, वो है एड एक्शन लिसनर। उसके बाद ये कि इवेंट सोर्स कैन हैव उसके जो है वो कितने लिसनर्स हो सकते हैं जो कि रजिस्टर होते हैं उसके ऊपर, वो है मल्टीपल। उसके बाद ये कि अगर क्लास को ज़रूरत होती है इवेंट हैंडल इवेंट्स के जो कि जनरेट किया बटन ने, देन तो फिर जो है कौन सी इंटरफेस जो है क्लास की ज़रूरत होती है इंप्लीमेंट की, वो है एक्शन लिसनर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फंक्शन डिक्लेयर्ड होता है माउस मोशन लिसनर इंटरफेस में, वो है पब्लिक वॉइड्स वॉइड माउस ड्रैक्ट माउस इवेंट मी। उसके बाद ये कि विंडो लिसनर इंटरफेस जो है उसके अंदर कितने मेथड हैं, वो है 7। उसके बाद ये कि माउस इवेंट जो है वो उसको टैप किया जा सकता है कौन से GUI कंपोनेंट के लिए, वो है तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए आपको, जे पैनल जे फ्रेम या फिर जे बटन। उसके बाद ये कि DSN जो है वो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डेटा सोर्स नेम। उसके बाद ये कि क्रिएट अल्टर ड्रॉप ये जो है डैश SQL स्टेटमेंट है DDL। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ होता है एग्जीक्यूट करने के लिए स्टोर्ड प्रोसीजर, वो है कैलेबल स्टेटमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो पास्ट किया जाता है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट के तौर पर टू द पेंट मेथड, वो है ग्राफिक ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये कि सॉकेट जो है वो डैश कम्युनिकेशन चैनल है हॉस्ट के दरमियान, वो है बाई डायरेक्शनल। उसके बाद ये कि यू कैन डैश टू अ नेटवर्क यूजिंग सॉकेट, आप जो है वो डैश कर सकते हैं एक नेटवर्क को सॉकेट यूज़ करते हुए, वो है रीड या राइट। उसके बाद ये कि बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी की बेस के ऊपर स्ट्रीम्स को कैटेगराइज किया जा सकता है किसके तौर पर, नॉर्ड स्ट्रीम और फिल्टर स्ट्रीम। उसके बाद ये कि जावा जो है डेवलप हुआ था कब, 1995 में। उसके बाद ये कि आप जो है वो डैश कर सकते हैं एक नेटवर्क को सॉकेट्स का यूज़ करते हुए, वो है रीड या राइट। उसके बाद ये कि सॉकेट जो है वो डैश कम्युनिकेशन चैनल है होस्ट के दरमियान, वो है बाई डायरेक्शनल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आर पास्ट पास किया जाता है एज एन आर्ग्यूमेंट के तौर पर टू पेंट मैथड, वो है ग्राफिक ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये कि क्रिएट करने के लिए डेटा बेस मेटा डेटा ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं कौन सी लाइन ऑफ कोड, वो है पहला ऑप्शन। उसके बाद ये कि डैश लिसनर्स इवेंट सोर्स कैन हैव डैश लिसनर रजिस्टर ऑन इट, इसका जवाब है मल्टीपल। उसके बाद ये कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है डैश करती है इंस्टेंशिएटेड, वो है कांट बी
इंस्टेंशिएटिव। उसके बाद ये एक डैश जो डिफाइन करता है वे और मेथड जो है कम्युनिकेशन का दो पार्टीज के दरमियान, वो है प्रोटोकॉल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।